तो यार अगर आप भी एक बजट के अंदर रहते हुए एक DSLR परचेज करना चाहते हो अपने फोटोग्राफी करियर को स्टार्ट करने के लिए या अपने YouTube करियर को स्टार्ट करने के लिए, तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली। सो हे गाइज, व्हाट्स अप, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनन 1500D और इसके डिटेल रिव्यू के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन होने वाली है, कितने क्या बजट के अंदर आपको ये पड़ जाता है, और दूसरी अगर मैं बातें करूं तो क्या क्या इसके अंदर कमियां हैं और क्या क्या बजट के अंदर रहते हुए इसके अंदर ऐसी सारी खूबियां मिलती है जिसकी वजह से आपको ये बजट के अंदर कैमरा परचेज करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैनन की तरफ से आने वाला 1500D बजट के अंदर इसी कैमरा को सजेस्ट करने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन हमारे को देखने को मिलते हैं, उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आज के टाइम पे अगर आप फोटोग्राफी वगैरह करते हो, डिसेंट फोटोग्राफी अगर आप करना चाहते हो बिगिनिंग लेवल पे, तो उसके लिए ये कैमरा है जो काफ़ी अच्छा आपके लिए होने वाला है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं तो आपको यहाँ पर 24.1 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर APS CMOS सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कैनन की तरफ से डिजिक 4 प्लस आपको यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ इसके अंदर 9 ऑटो फोकस पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इस कैमरे के अंदर वीडियोग्राफी के पर्पज से, तो वीडियोग्राफी में ये आपको फुल HD आपको वीडियोग्राफी आपको करवा देता है 25 FPS तक। अगर मैं बात करूँ वीडियोग्राफी के अंदर अगर ये कितना क्या सक्सेसफुल कैमरा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग लेवल बिगनिंग लेवल के अंदर आपके लिए ठीक ठाक लेवल पे आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन वीडियोग्राफी में अगर आप हाईएस्ट मतलब डिसेंट लेवल की अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हो तो उसके लिए ये शायद कैमरा आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑटो फोकस है वो आपको इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप फोटोग्राफी के मामले में अगर आप मेरे से बात करो कि 30,000 से 35,000 के बजट के अंदर अगर कोई आप कैमरा लेना चाहते हो तो वो कौन सा आपको सजेस्ट होना चाहिए, तो वो आपके लिए 1500D है। आगे अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कैमरे के ऊपर के साइड में आप देख सकते हो आपको यहाँ पर वीडियो मोड के साथ साथ आपको बहुत सारे मोड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे मैनुअल मोड हो गया, AV मोड हो गया, TV मोड हो गया, P मोड हो गया, ऑटो मोड हो गया, फ्लैशलाइट ऑफ मोड हो गया, CA मोड हो गया, इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड हो गया, आपको लैंडस्केप मोड हो गया, स्पोर्ट्स मोड हो गया, फूड मोड हो गया, और भी बहुत सारे मोड्स आपको इसमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। साथ दूसरी अगर मैं बात करूँ इसके अंदर डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको यहाँ पर 3 इंची डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि आपका LCD पैनल आता है। इन डेप्थ के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 1/400 शटर स्पीड आपको देखने को मिल जाती है। ISO की बात करूँ तो 100 से लेकर 6400 ISO आपको देखने को मिल जाती है। वहीं अगर मैं इसके जो प्रीमियम मतलब इसके साथ में जो किट लेंस आता है, अगर उस किट लेंस की बात करूं तो यहां पर आपको 3.5 से 36 तक आपको अपर्चर इसका देखने को मिल जाता है। अगर फोटो क्वालिटी की मैं बात करूं तो आप अपने यहां पर स्क्रीन पर देख ही सकते हो काफ़ी अच्छी आपको फोटो क्वालिटी देखने को मिल जाती है। अच्छा, फोटोज़ को देख के ये जज मत करना कि यार फोटोज़ अच्छी नहीं आई वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं इतना अच्छा फोटोग्राफर नहीं हूँ। मेरे को जिस तरीके से फोटोग्राफी आती थी मैंने उस तरीके की आपको फोटोज़ क्लिक करके दिखाई, और काफ़ी एक अगर बिगनिंग लेवल पे भी बात करें तो काफ़ी डिसेंट लेवल की आप ऑटो मोड पे, मैनुअल मोड पे और बहुत सारे इसमें मोड्स देखने को आपको मिल जाते हैं, तो उस पर आप काफ़ी अच्छी एक फोटोग्राफी आप इसमें कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, कहा जाता है कि पिक्चर क्वालिटी के अंदर फोटोग्राफी के अंदर निकोन को कोई मात नहीं दे सकता, बट कैनन ने एक 1500D को निकाल के बिगनिंग लेवल पे फोटोग्राफी को इतना अच्छा इंप्रूवमेंट दिया है जिसकी आप काबिलियत तारीफ करेंगे। अगर आपको कम बजट के अंदर एक बढ़िया सा DSLR चाहिए तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप 1500D की तरफ आप जा सकते हैं। इस लेवल पर अगर बात करें इस लेवल के DSLR में कुछ प्लस पॉइंट और कुछ माइनस पॉइंट, तो उसके बारे में मैं आपको बात करना चाहूंगा। अगर आप एंट्री लेवल पर कोई कैमरा देख रहे हो तो आप 1500D को ले सकते हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके अंदर आपको क्या क्या प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है, क्या क्या प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले एक तो ये लाइट वेट है, दूसरा मैं बात करूँ इतने कम बजट के अंदर आपको इतनी बढ़िया क्वालिटी के अंदर आपको
सीमोस देखने को मिल जाता है, जो कि अपना 24.1 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले साइज की, 3 इंच की काफी बढ़िया LCD पैनल की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ आपको अच्छे देखने को मिल जाती है। दूसरी अगर मैं बात करूँ इस कैमरे में बैटरी बैकअप को बढ़ाने के लिए आप इसके अंदर कुछ सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप कम बैटरी बैकअप के अंदर भी ज्यादा फोटोज आप यहाँ पर निकाल सकते हो। अब यहाँ पर इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा कि यहाँ पर जो आपको स्क्रीन देखने को मिलती है वो आपको फिक्स देखने को मिलती है, आप उसको मूव नहीं कर सकते हो। दूसरी बात करूँ टच स्क्रीन भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। अगर तीसरा मैं अगर पॉइंट की बात करूँ तो वो यहाँ पर है कि वीडियोग्राफी के अंदर आपको इतने अच्छे ऑटो फोकस पॉइंट देखने को नहीं मिलते, और ऑटो फोकस पॉइंट की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको सिर्फ 9 ऑटो फोकस पॉइंट देखने को मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस प्राइस रेंज के अंदर ठीक ठाक लेवल की आपको फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी करा देंगे। तो बस आज की वीडियो में यही था, काफ़ी टाइम से मैं इस कैमरे को यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी के मैंने यहाँ पर फोटोज़ निकाली है, तो मुझे लगता था कि ये कैमरा आप सभी को सजेस्ट करना चाहिए। अगर आप कोई भी नए YouTube चैनल को ओपन करने के लिए आप कोई भी अगर कैमरा वगैरह सर्च कर रहे हैं तो आप इस कैमरे की तरफ जा सकते हैं, या बिगनिंग लेवल पे अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे फोटोग्राफी करना चाहते हो इस प्राइस रेंज में आप एक बिगनिंग से लेके प्रोफेशनल लेवल की आप यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह आप इसमें कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि किसी को भी अगर इस तरह की वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो हमारे चैनल के थ्रू इस तरह की वीडियोज़ पा सकता है।